जय हिंद दोस्तों। इसरो ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसियां निकाली हुई हैं और ये वैकेंसियां कैटेगरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, सेफ वन भी अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 20/12/2022 यानी कि 20 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 9/1/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 9 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस ऑनलाइन जमा होगी और इसकी 11/1/2023 तक जमा कर सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन बताएंगे कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले शुरू से देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसियां हैं और कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। इसरो अंतरिक्ष विभाग में वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी है असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। काफी वैकेंसियां हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी काफी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बता दें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी है और बता दें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसरो में पे लेवल 4 इसमें सैलरी मिलेगी, यानी कि मिनिमम बेसिक इसका 25,000 से स्टार्टिंग है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी वैकेंसियां दी हुई हैं तो इसको भी बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले जोन वाइज अलग अलग बताते हैं। एक पोस्ट है, पहले पोस्ट है असिस्टेंट पोस्ट की, उसकी बताते हैं कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट में अहमदाबाद में जो वैकेंसी है उसमें 26 वैकेंसियां हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है। जो कैटेगरी पर्सन है उनके लिए एक वैकेंसी है और एक दो वैकेंसी उनके लिए भी है, तो यानी कि 4 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बेंगलुरु की जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी है 125 वैकेंसी में 51 अनरिजर्व, 32 ओबीसी, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 वैकेंसियां हैं। जो लास्ट में लिखी होगी ये सारी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो इसको मैं लास्ट वाले को ही अब बताऊंगा क्योंकि एक एक बताने में टाइम लग जाएगा। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ। इसके बाद और जॉब लोकेशन जो रहेगा, हसन में वैकेंसी, एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की 16 में से। इसके बाद हैदराबाद में ये असिस्टेंट की है, अभी बाकी आगे बताएंगे। असिस्टेंट की जो हैदराबाद में है 35 वैकेंसी में 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। श्रीहरिकोटा में 54 वैकेंसी में 10 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद त्रिवंतपुरम त्रिवेंद्रम में जो वैकेंसी है उसमें 83 वैकेंसी में 13 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए, ये असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल 339 वैकेंसी असिस्टेंट की है, उसमें 47 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। अभी बात कर लेते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसमें एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी, इसमें बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें अहमदाबाद में एक्स सर्विसमैन की 5 वैकेंसी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं। टोटल 5 वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है अहमदाबाद में। बेंगलुरु में 60 वैकेंसी में 7 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो आप देख सकते हैं ये 7 वैकेंसी लास्ट वाली एक्स सर्विसमैन के लिए है। हसन में एक वैकेंसी है लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें नहीं है। हैदराबाद में 16 वैकेंसी में सिर्फ 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। नई दिल्ली में 2 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए है। श्रीहरिकोटा में 4 वैकेंसी है और 24 वैकेंसी में 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। दिल्ली में एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है, 2 वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अभी बता देते हैं त्रिवंतपुरम में यानी त्रिवेंद्रम में जो वैकेंसी है 45 वैकेंसी में 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। टोटल 153 पोस्ट है जो कि जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की बात कर ले, अपर डिवीजन क्लर्क में भी बेंगलुरु में 16 वैकेंसी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है और टोटल 16 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी ही एक्स सर्विसमैन की। स्टेनोग्राफर में भी टोटल 14 वैकेंसी में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से काफी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसमें बता दें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ग्रेजुएशन मांगा गया है, चाहे आप
पर्सनल असिस्टेंट अप्लाई कर रहे हो या स्टेनोग्राफर अपर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब में ग्रेजुएशन चाहिए और 60% मिनिमम मार्क होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनसी में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पोस्ट है क्लर्क लेवल की है तो आपको क्लर्क लेवल में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसमें टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी गई है, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर की 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है। कंप्यूटर का नॉलेज दोनों में चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद अभी इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो एक चीज इसमें बता देते हैं, एज कितनी रहेगी। 28 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है, लेकिन SC ST के लिए 33 साल यानी 5 साल छूट है, OBC के लिए 3 साल छूट है, 31 साल के OBC अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्डर के अनुसार उनको छूट मिलेगी, यानी कि 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस की एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी। PWD को भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और PWD जो होंगे वो 40% कैटेगरी मिनिमम होनी चाहिए, 40% एंड अबोव, तभी वो PWD में माने जाएंगे। इसके बाद अभी इसमें जो सर्विस कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC देना जरूरी है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो फीस लगेगी 100 रुपए है, इसको 11/1/2023 से पहले पहले जमा करना है। लेकिन बता दें, जो एक्स सर्विसमैन है, SC ST है, OBC है, SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट है। इसके बाद PWD के लिए भी फीस नहीं लगेगी, ऑनलाइन फीस जमा होगी, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही कर दें जिससे कि बढ़िया रहेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन को जमा नहीं करनी है, PWD को नहीं जमा करनी है, SC ST को फीस नहीं जमा करनी, क्लियर दिया हुआ है कि एग्जेम्प्टेड है इन लोगों के लिए फीस। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्कशन में दे दूंगा, इसका जो चयन प्रक्रिया होगी उसका भी मैं पूरा ये नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट होगा इसके बाद, इसका रिटन टेस्ट के बाद आपका इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी होगा, इसमें कंप्यूटर का टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर का नॉलेज हल्का फुल्का आपको होना चाहिए। इसके बाद बता दें कि इसका जो बाकी पैटर्न है, परीक्षा क्या क्या होगी इसमें दिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्कशन दे दूंगा और अप्लाई करने का भी लिंक डिस्कशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा अप्लाई करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।